क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं अजहर शेख और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप जो यहां पर सैंपल वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग वो भी अपने फोटोज के साथ कैसे क्रिएट करना है, आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने के लिए यहां पर आपको एक ऐप को यूज करना है जिसका नाम है काइनमास्टर। दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर दोस्तों मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां पर आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली काइनमास्टर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं काइनमास्टर ओपन हो चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू करके, इसके अंदर जाना है। फिर यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों इतने सारे एस्पेक्ट रेशियोस आपको मिल जाएंगे। आपको दोस्तों क्या करना है, यहां पर मेक श्योर करना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 16:9 होना चाहिए और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है सेटिंग, इसके अंदर जाना है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों तीन ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे, इसके अंदर से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट वाले जो है एडिटिंग, इसके अंदर आना है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं फोटो ड्यूरेशन सिर्फ 4.5 है, तो इसको दोस्तों इंक्रीज करके आपको क्या करना है, 6 आपको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सेकंड्स आपको करना है और आ जाना है आपको बैक। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पर मीडिया के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, उन फोटोज़ को लोड करना है जिस पर भी आप वीडियो एडिटिंग आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के फोटोज़ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा है और आपको आ जाना है बैक। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह के फोटोज़ यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो भी दोस्तों आपके फोटोज़ है उन सभी फोटोज़ को यहाँ पर आपको लोड करना है। कर देने के बाद में दोस्तों आ जाना है आपकी जो पहली फोटेज है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का एक ऑप्शन है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जूम इन आपको करना है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको जूम करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों एक ऑप्शन है इक्वल टू, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर कर देना है ओके। फिर दोस्तों आपकी जो दूसरी इमेज है इसके अंदर जाना है और उसी ऑप्शन के अंदर जाना है, इसको भी दोस्तों इस तरह से आपको फुल स्क्रीन आपको करना है, फिर इसे भी इक्वल टू एंड देन ओके। फिर दोस्तों इसी तरह से आपके जितने भी फोटोज़ है उन सभी को दोस्तों इस तरह से आपको फुल स्क्रीन करना है और इक्वल टू करना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी फोटोज़ जो है यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो आपको भी जो है दोस्तों सबसे पहले इस तरह से आपको सभी फोटोज़ को एडजस्ट करना है, फिर आ जाना है दोस्तों इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको आ जाना है, फिर जाना है यहाँ पर लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन फोटेज है, इन तीनों फोटेज के लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह की फोटेज है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की फोटेज है, इसको यहाँ पर आपको लोड करना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर आपको जूम करके फुल स्क्रीन आपको करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर राइट साइड पर थोड़ा यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग करके, इसके अंदर जाना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों एक ऑप्शन है स्क्रीन, इसको सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक जो है दोस्तों यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फिर से आपको आ जाना है स्टार्टिंग पोजिशन पर, देख सकते हैं, और फिर से दोस्तों आपको जाना है लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाना है और आपकी जो दूसरी फोटेज है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर आपको लोड करना है। सेम दोस्तों वही है पूरा प्रोसेस, आपको फुल स्क्रीन करना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है क्रोमा की, इसके अंदर जाना है और ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल होगा, एनेबल कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, बस थोड़ा आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से आपको करना है और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आपको आ जाना है स्टार्टिंग पोजीशन पर, फिर आपको जाना है लेयर के अंदर और वही फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो थर्ड फोटेज है उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लोड करना है। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह के हार्ट्स की फोटेज है, तो इसको भी आपको सबसे पहले फुल स्क्रीन करना है और यहाँ पर जाना है क्रोमा की के अंदर और इसको भी एनेबल कर दीजिए और इसका जो है थोड़ा बहुत आपने अपने हिसाब से जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग करना है और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा एनिमेशन जो है दोस्तों यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों इस प्रोसेस को यूज करके आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में काइनमा सर्क मदद से दोस्तों इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए